हेलो गाइस, एग्जाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फ्रेजल वर्ब को लेकर आए हैं। फ्रेजल वर्ब को करने से पहले गाइस, सबसे पहले मैंने जो है आपको मैचिंग करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए थे, उन्हें कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम फ्रेजल वर्ब को करेंगे। तो आइए, देर ना करते हुए हम चलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है आपके सामने आता है असर्ट। असर्ट का जो सिनोनिम होता है वो एलीग होता है। उसके बाद आता है नॉन नेटिव। नॉन नेटिव का जो सिनोनिम है वो एलियन है। उसके बाद आता है जेटिसन। जेटिसन का जो सिनोनिम है वो है रिडेंस। और उसके बाद आता है कार्निज। कार्निज का जो सिनोनिम है वो है मैसेकल, यानी कि नरसंहार। असर्ट यानी कि आरोप लगा दे रहा। नॉन नेटिव कोई विदेशी या फिर जो हमारे यहाँ का नहीं हो। एलियन यानी कि जेटिसन माने किसी चीज़ को त्याग देना या सेक्रीफाइस कर देना किसी चीज़ का, इसे बोलते हैं रिडेंस। और कार्नेज यानी कि नरसंहार। अब आइए हम फ्रेजल वर्ब पर करते हैं। गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फ्रेजल वर्ब को जरूर करें, क्योंकि पेपर में जो है फ्रेजल वर्ब जरूर पूछे जाते हैं। कई बार इनको डायरेक्टली पूछा जाता है तो कई बार इनको इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो फ्रेजल वर्ब करने जरूरी है, क्योंकि हर पेपर में अगर आप ध्यान से पेपर को देखें तो कम से भी कम 6 या 7 फ्रेजल वर्ब आपको वहाँ पर मिलती है। ओनली फ्रेजल वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, 6 या 7 फ्रेजल वर्ब आपको वहाँ मिल जाती है। आजकल तो सेंटेंस एरर में भी आने लगी है, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस में भी आने लगी है, ईडियम फ्रेजेस में भी जो है फ्रेजल वर्ब आने लगी है, और जो आपके पैसेजेस होते हैं उनमें भी जो है फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो प्लीज़ गाइस, फ्रेजल वर्ब को जरूर करें। आज मैं आपके सामने 5 फ्रेजल वर्ब ले गया हूँ, वो इस प्रकार है। सबसे पहले आती है एडअप। एडअप जिसका अर्थ होता है अर्थ निकालना या उचित होना। दूसरी आती है अधेर टू, इसका मतलब होता है के मुताबिक चलना या पालन करना, यानी कि किसी के मुताबिक चलना। इसका मतलब होता है किसी के मुताबिक चलना। दूसरी है एडवाइस अगेंस्ट, इसका मतलब है कुछ ना करने की सलाह देना। जैसे कि डॉक्टर हमें देता है ना कि आप ये काम मत करिएगा, तो वो कुछ ना करने की सलाह है, ठीक है। दूसरी आती है एग्रीविद, यानी कि एक समान राय होना या सहमत होना, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की जो राय है वही हमारी राय है, तो उससे हम कहेंगे एग्रीविद। और जो हमारी अंतिम फ्रेजल वर्ब है आज की वो है एम एट, जिसका मतलब होता है लक्ष्य लगाना। तो गाइस, इन फ्रेजल वर्ब को जरूर कर लें, ताकि जो है आप फ्रेजल वर्ब को देखो, मैं 5-5 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5-5 करने से जो है आप इनको इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। आपके पास रिवाइज करने का भी टाइम होगा। अगर मैं बहुत सारी एक साथ में दूँ तो आप उनको रिवाइज करने में दिक्कत होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।